अर्चना जी, आपको पता है सबसे ज्यादा कमाई कहाँ पे होती है? नहीं, कुर्सी पे तो होती है बैठ के, पर मैं यहाँ मुझे नजर लगाई जाओ हर बार आप. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुर्सी के अलावा भी और बड़ी सारी चीजें होती हैं जहाँ पे कमाई होती है. फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट. आप इसमें पैसा लगाओ और अगर आपका शेयर ऊपर चढ़ गया तो मतलब रातों रात दुगुना, तिगुना, चार गुना, और अगर डूब गया तो सीधा झुंझुना. तो मैं शेयर मार्केट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी पर बेस्ड एक फिल्म आ रही है, द बिग बुल. तो चलिए शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और लीड एक्टर को. तो आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर अजय देवगन एंड लीड एक्टर मिस्टर अभिषेक बच्चन. वेलकम, वेलकम बाजी, वेलकम सर. जोरदार तालियां एक बार अजय सर और अभिषेक सर के लिए. सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. अजय पाजी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और एज ए प्रोड्यूसर इनकी लास्ट फिल्म ताना जी बड़ी सुपर डुपर हिट रही. बहुत बहुत मुबारक आपको. तो मतलब इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिर आप हैं कि ताना जी हैं? मतलब वो वाला पैसा इधर लगा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? मतलब क्या? नहीं, ऐसे ही पूछा वैसे ही. अर्चना जी का ध्यान रहता ना बड़ा लोगों के पैसों पे. मेरे ऊपर मत डाल. इन्होंने पूछा था अजय से पूछना. इस फिल्म की शूटिंग ताना जी से पहले शुरू हो गई थी, रिलीज होने से पहले. अच्छा, क्या कर रहा है? ओह अच्छा. अभिषेक भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई. आपके इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो गए यार. थैंक यू. लेकिन अच्छी बात ये है, कपिल भाजी की शुरुआत इनके साथ हुई थी. जब मैं पढ़ाई छोड़ के वापस बंबई आया था काम करने के लिए, इससे पहले कि मैं एक्टर बन जाऊं, डैड ने कहा था कि तुम जरा प्रोडक्शन में काम करो. अच्छा जी. उन दिनों हमारा एक कंपनी हुआ करता था ABCL जी, और उसमें एक पिक्चर बन रही थी मेजर साहब, जिसमें अजय थे जी, और मैंने एक प्रोडक्शन बॉय का काम किया था उसमें. अच्छा. चाय बनाता था, लाइटें उठाता था. अच्छा. और इनकी चमचागिरी करता था. मैंने काम आ गया उसके बाद. वाह, सोच लो स्विट्जरलैंड से सीधा कूदा ये हमारे सेट पे. वाह, वो भी है. मजाक बहुत उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. और शुरुआत मेरी हुई थी मेजर साहब से, और आज माय लेटेस्ट रिलीज 20 साल हो गए इज प्रोड्यूस बाय अजय. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैंने हमेशा से एक बड़ा भाई मानता हूँ. उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, गाइड किया है. मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो फिल्म बनी है बिग बुल, बहुत अच्छी फिल्म बनी है. इन्होंने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने मेरे बारे में सोचा. उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि एक कहानी है, सुनो और करो. और जब भी उन्होंने ये कहा है मेरे लिए, इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी लकी फिल्म. भले वो बोल बच्चन हो, बिग बुल हो, दो तीन और ऐसे फिल्म है जो ये करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, अभिषेक से करवाओ. एंड ही इज गिवन दोस फिल्म्स टू मी. सो या, तो ये जो अपनी फिल्म मान लो आपको ऐसे दे देते हैं तो उससे कमीशन लेते हैं? नहीं, वो प्रोड्यूस करते हैं. तो मैं कमीशन नहीं, कंसेशन देता हूं. कंसेशन पाजी, मैंने आपकी ब्रीथ देखी. Thank मतलब you. बहुत फैंटास्टिक काम Thank किया. थैंक यू. तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ जब लास्ट में यही विलन निकलते ना, क्योंकि ये बड़े जेंटलमैन आदमी ना, तो इनके अंदर ऐसा नेगेटिव किरदार भी निकलेगा, मतलब यकीन नहीं था मुझे. कमाल के एक्टर यार, बहुत बढ़िया सर. थैंक यू. पाजी, आप दोनों बहुत फिट लग रहे हो. लॉकडाउन में जिम ज्यादा किया या घर के काम ज्यादा करने पड़ गए आपको? जी, लॉकडाउन में कोरोना किया हम लोग ने, उसकी वजह से सब घर के. ये कि फिट लग रहे हैं उसका तो जवाब मिल गया. पर पाजी, जब हमें न्यूज पता चली थी ना, मतलब बच्चन साहब को जब कोरोना हुआ तो सबका, पूरी कंट्री का मोराल डाउन हो जाता है, क्योंकि बच्चन साहब हमारे आइकॉन है. पर हाँ, फिर अब थोड़ा माहौल ठीक हो गया है, लोग समझने भी लगे हैं. लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज जो उसके बाद हुई कि लोग जो नॉन सीरियस हो गए थे, तो लोगों को लगा कि यार नहीं यार, अगर बच्चन साहब को हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है. तो लोगों ने एहतियात बरतना भी शुरू किया, और फिर अभिषेक पाजी को भी तो हो गया था. और अजय सर ने मेरे ख्याल से आपको फोन भी किया था. फोन किया था ये पूछने के लिए ना, नहीं कैसे हो? You know Ajay Devgan loves you when he talks to you the way Ajay Devgan talks to you. And how is that? That is, as you know, हमने एक साथ काम भी किया है. ये कोई भी चीज प्यार से नहीं बोलेंगे. उनका जो स्वभाव है वो हमेशा सिंगम मोड में रहते हैं. हाँ. तो ये घर पे छोड़ के, डैड को जब कोरोना हो गया था, मैं उन्हें अस्पताल छोड़ने गया. वो जब भर्ती हो गए, फिर डॉक्टर ने मुझे फोन किया कि भैया तुम्हारा भी हो गया, तुम भी रह जाओ इधर. अच्छा. तो सबसे पहले इनका फोन आया, तो मैं फोन उठा नहीं रहा था क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे थे, लेकिन इनका आया तो इनका उठाना पड़ता है. तो आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि ये फोन क्यों उठाया मैंने. अच्छा. वो कॉन्वर्सेशन के बाद
अभी आपको अभी अभी पता चला है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। हाँ। आपके पिताजी कोरोना पॉजिटिव। डर इस बात का है कि घर पे माँ, बीवी, बेटी, मेरी बहन, भांजा भांजी सब हैं। ये टेंशन है, उनका भी टेस्ट कराया है, वो रिजल्ट कल आने वाला है, तो ये सब टेंशन रहता है कि क्या होगा। तो ऐसे हालात में इनका फोन आता है, तो आपको लगता है कि अजय देवगन शायद आज प्यार से बोलेंगे कि सुनो भाई, ठीक हो, कुछ चाहिए, मैं हूँ, मैं देख लूंगा ये। हाँ, तो आप अभिषेक, मैं अजय, उठाइए फोन। हाँ हाँ जी, हाँ, ये क्या है, क्या हो गया? Oh God, what is going on? How has this happened to you? ये सब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में आ गया हूँ। कि and he started firing me. How have you done this? You were being careful. उन्हें फिर मुझे लगा कि उसके कुछ 5-6 दिन पहले ये मुझसे मिलने आए थे। हमारे बगीचे में हम लोग दूरी पे बैठे थे, मुझे लगा कि नहीं, शायद ये पहले करें कि इस गधे ने मुझे तो नहीं किया। उससे 8 दिन पहले आप मेरे ऑफिस में थे। हाँ, वो भी सही है, हम लोग बिग बुल की प्रमोशन। बट ही स्टार्टेड फायरिंग। मैं इस पे, यू नो, मैंने इसको क्यों फायर किया? पहले तो मैंने आराम से पूछा क्या हुआ, झूठ बोल रहा है अभी? तो इससे बताया ऐसा हो गया, डैड को भी हो गया। तो मैं बोला हुआ कैसे? तो आगे से पता क्या बोलता है? बोलता नहीं, डैड ने मुझे दिया। वो बेचारे घर पे बैठे हैं, निकले नहीं, ये कभी यहाँ डबिंग करने जा रहा है, कभी वहाँ घूम रहा है, उसके बाद बोलता है डैड ने मुझे दिया। लेकिन इन्होंने मुझे रोज फोन किया। अगर फोन पे हमारी बात नहीं होती थी, टू मैसेज मी एवरी डे, सब ठीक। वो इसलिए कि मेरी फिल्म कंप्लीट होनी थी। एक बार जोरदार ताली अभिषेक भाई और अजय सर के लिए। आइए सर, प्लीज विराजमान हो जाइए, आइए सर। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं बता दूं पाजी, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि अभी भी आपको मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही जरूरी है। ये इसका कुछ नहीं है कि मुझे हो गया तो मैं अभी ठीक हूँ, आपको फिर से हो सकता है, तो ध्यान रखिए आप, बहुत जरूरी है, स्टे सेफ। और आपने भी आज ऐसे किया है, बहुत ही अच्छा है, ऐसे लग रहा है सब लोग सोशल डिस्टेंस में बैठे हैं। और हम सब बिल्कुल पूरे टेस्ट किए हुए हैं और हम लोग नेगेटिव हैं। करेक्ट। और फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख के शूट कर रहे हैं जी, और ऑडियंस हमारी नहीं है, यहाँ 3 आदमी खड़े हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग है, वरना आपकी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ होती है? पाजी प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। अर्चना जी, बिग बुल जो है ये 92 के शेयर मार्केट स्कैम के ऊपर ये बेस्ड है फिल्म। तो अजय पाजी, हाँ जी, आपने अभिषेक सर को लिया इस फिल्म में, पूरी स्कैम बेस्ड फिल्म है ये, आपको ये झोलू लगते हैं? क्यों पूछ रहे हो, जवाब दे देंगे ये। आपको क्या लगा कि ये करेक्टर इनको ऐसे, मतलब क्यों सूट करेगा ये? क्योंकि एक्टर अच्छा है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। एक्टर अच्छा है। एक शेड। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके डायरेक्टर से जी, ये जो उन्होंने बोला है अभी, इसको जरा क्लोजअप लेके मुझे भेज दे प्लीज। हम लोगों ने LOC और जमीन और युवा एक साथ की थी बैक टू बैक, और कई बार हम लोग क्योंकि दोस्त हैं, काम एक साथ जाते थे वापस, और वापसी में ये बोलते थे क्या शॉट दिया है, ये कोई तरीका एक्टिंग करने का, डायलॉग नहीं बोला जाता, ही टू फायर मी लाइक दिस। तो ये जो आज बोल रहे हैं कि अच्छा है, फिर से बोलिए प्लीज, क्लोजअप लेना, क्लोजअप। देखिए, जब ठीक से नहीं देता था तो बोलते थे, अब अच्छा काम कर रहा है तो बोलते हैं। ये भेज देना मुझे भैया प्लीज। अरे, झोल झपाटे की बात चल रही थी, स्कैम क्योंकि ऐसे ही बेस्ड है। अर्चना जी को क्यों नहीं आपने कास्ट किया? आपको पता झोल झपाटे में पिछले 2 साल से नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। किसने झोल किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, मुझे पता है, आपने तो खाली उठवाया उनको। Oh God, उठवाया। अब तो वो इतने भड़क गए, कहते मेरी टिकट भी दे दो इनको, बोलो इलेक्शन भी मेरी जगह लड़ रहे हैं, इतना भड़के हुए सिद्धू जी। ओह, पर पाजी आपने खुद भी तो इतनी गोलमाल की, तो फिर आप क्यों नहीं आए बिग बुल में? क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये रोल अभिषेक के लिए परफेक्ट है, और हर फिल्म जो आप बनाते हैं अपने लिए सोच के नहीं बनाते, आप ये भी सोचते हैं कि आप कौन सा स्क्रिप्ट किसको सूट करता है और किसको सूट नहीं करता। राइट, मैंने अपने सोच के बना ली थी, तभी मेरा काम खराब हो गया। आगे से दिमाग मत लगाया कर। नहीं, नहीं। जो बोलते हैं वो करो। डोंट यूज योर। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया, अपने पैसे डूबते फिर ही समझता है आदमी। समझ गया तू? हाँ, बहुत ज्यादा समझा मैं, 40 करोड़ का समझाऊंगा। फिर से गलती नहीं करे, नेक्स्ट टाइम गलती कब कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं करनी पाजी अभी। देखो, एक ही डेट को जन्मे इंसान, कितना फर्क है, एक तरफ इतने समझदार कम बोलते हैं। पता नहीं पाजी, ये राशि वाशि में अब तो मैं बिलीव नहीं करता, पहले मुझे लगता था एक ही दिन पैदा हुए इंसान, अब देखो अब सुपरस्टार है। हम देख लो, रोज अर्चना जी के साथ बातें करके जाते हैं यहाँ पे। कितना खुशकिस्मत है। ऊपर वाले का शुक्र मना कि तू बहुत बोलता है, क्योंकि बोलता है इसलिए चलता है।
थैंक्स, ये भी क्लोजअप करके मेरे को दिया जाए। अच्छा बोलता है अजय से, गुड मूड टुडे, कुछ तो सही हुआ है। हाँ अभिषेक भाई, ऐसे हमारा अमृतसर वाला सवाल था कि अच्छा। मैं हमेशा बहुत बार स्टोरी सुनाई है कि जब हम पहली बार मुंबई आए थे ना, 2001 की बात है, तो हम आपके घर के बाहर बड़ी देर खड़े रहे। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन भी किया, हम तीन लोगों के पास एक मोबाइल होता था, तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी हम बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी कहती है अच्छा क्या कहते हैं, मैं कहा मुझे क्या कहेंगे हमें। मतलब होता ना क्रेज की यार, आए हैं तो हम ना हमें अमिताभ बच्चन देखने हैं। तो मैं ये सोच रहा था कभी कभी जब आदमी सुबह उठता है, और इस लॉकडाउन में तो कितना टाइम स्पेंड किया, तो 5-10 सेकंड तो आप ऐसे ही होश में नहीं रहते हैं, एकदम पता नहीं चलता है। तो आप जब कभी कभी सुबह सुबह उठते हैं और आप बच्चन साहब को घूमते देखते हैं, आप हैरान नहीं होते अमिताभ बच्चन हमारे घर में घूम रहे हैं? एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, जब शुरुआत हुई थी तो कुछ ज्यादा कुछ जमा नहीं बात में बॉक्स ऑफिस पे। अच्छा जी। तो काफी कुछ डामाडोल चल रहा था, और मेरी एक फिल्म बनी थी धूम, और वो बहुत चली थी, और सब लोगों ने कहा कि ये आपकी पहली हिट फिल्म है। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा जी, उन्होंने एक पार्टी रखा, सक्सेस पार्टी, हमारे घर के बगल में एक होटल है जी। तो आप सक्सेस पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा था कि भैया अभी हमने भी कर दिया है, कॉन्फिडेंस एकदम सब कुछ, और सारी रात पार्टी करके सुबह मैं घर आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं चल के जाता हूँ, कुछ 2 मिनट का रास्ता। राइट। तो मैं चल के जा रहा था और इतना फील कर रहा था कि भैया मैंने भी अभी हिट फिल्म दे दी है, मैं स्टार बन गया हूँ। गाड़ियाँ रुक रही थी, अरे अभिषेक बच्चन लोग पहचान रहे थे जो पहले नहीं करते थे। उन दिनों मोबाइल फोन का जमाना थे, दे डिडंट हैव, सो सब ऑटोग्राफ मांग रहे हो। मैं चल रहा हूँ और मैं जब तक घर पहुंचा तो मुझे लगा कि भैया इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार हैज अराइव्ड। इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि तब तक ऐसे लग रहा था कि सब लोग ने ऐसे फील करवा दिया था कि भैया तुम कुछ नहीं हो, पिक्चरों से बाहर निकालते थे, कोई फोन नहीं उठाता है सिवाय अजय देवगन के। तो जब घर पहुंचा, गेट खोला मैंने, अंदर गया घर की तरफ, मुझे ऐसे इतना अच्छा लग रहा था कि है छाती एकदम से बाहर निकाल के मैंने दरवाजे का जो बेल है वो दबाया। सुबह के 6 बजे थे, डिंग डोंग। दरवाजा खोला किसने? डैड। अच्छा। तो उन्होंने खोला, जैसे दरवाजा उन्होंने खोला, वो थे अपने नाइट गाउन में, चश्मा लगा के, अखबार हाथ में, हाँ बेटा आ गए। तो मैंने देखा, फिर एहसास हुआ कि ये तो अमिताभ बच्चन है। मैं उधर ही औकात समझ में आ गई, भाई तुम कुछ नहीं हो, भगवान तो ये है, बहुत संघर्ष करना बाकी है, तुम चुपचाप जाके सो जाओ और मेहनत करो। अच्छा, आपकी जगह हम जैसे होते, हमारा उल्टा हो जाता, हम और चौड़े हो जाते, हमारे लिए दरवाजा बच्चन साहब ने खोला है। एक बार ना सर, हम लोगों को याद है, हम लोग इसी शो के लिए, तो बच्चन साहब ने बुलाया, दूसरे घर पीछे वाला जो है, तो वहाँ पे गए, तो वो कुछ स्नैक्स थे तो हमें अच्छे लगे, तो मैंने कहा सर ये बड़े टेस्टी है, तो आपको अच्छे लगे? हाँ सर अच्छे लगे। कहते इनको पैक करवा दीजिए। मैंने वो खाए नहीं सर 4-5 महीने, वो सिल गए फिर। मैं खा ही लेता यार, मैंने बड़ी देर संभाल के रखे, पर हाँ हमारे लिए सपना होता है। अजय भाजी आप हमारे साथ बैठ इस समय मौजूद हो, और मजा आता है जब भी आप आते हो। और सुनाओ सर। ये वेट कर रहा था कि हम अभी इसकी तारीफ करेंगे काउंटर में कि मजा आता है, और हम दोनों ऐसे साइलेंटली देख रहे हैं। नहीं नहीं पाजी, मतलब कितनी तारीफ सुनेगा अपनी? नहीं नहीं मैं तारीफ नहीं सुन रहा, मैं तो वैसे हम तो खुशी होती पाजी। नो नो, बट यू हैव टू गो टू अमृतसर टू सी हाउ फेमस ही इज। आई नो, हियर ओनली हाउ फेमस। पूरी फिल्म शूट की थी वहां मनमर्जिया, 2-3 साल पहले। अच्छा, हां मैं कुछ 3 महीने था वहां, एंड ही इज वर्ल्ड फेमस इन अमृतसर। इन अमृतसर। नो नो, बट रियली हम लोग जहां भी शूटिंग कर रहे थे, वो कपिल जी यहाँ के ये खाना खाते हैं। अच्छा। वो ये ढाबे पे ऐसे आते हैं, वो लस्सी यहाँ ऐसे पीते हैं। सो यू आर नोन, देयर आर सर्टेन थिंग्स, कपिल शर्मा लस्सी इज देयर। अच्छा जी। आहूजा लस्सी में। अच्छा। हाँ ऐसे है। अभी ऐसे रिएक्ट कर। अच्छा जी, जैसे पता नहीं पता है उसको। सब पता है। नहीं, नहीं। उसके साथ सेल्फी भी लिया है कपिल शर्मा लस्सी। लोगों को पता क्या लगता है, जैसे पाजी आप हमारे शो पे आते, जब फिल्म आती तभी आते हो, लोगों को ये लगता है कि शायद हम बाद में खाना वाना साथ में खाते हैं, सुबह जॉगिंग जाते हैं, और मैं भी मान लेता हूँ। मैं लोगों को, मैं कोई पूछता ना पाजी फिर आप मुलाकात होती रहती है ऐसे सबसे, स्टार से, मैं कहा हाँ हाँ बस बस। बट हमारी तो फोन पे बात होती रहती है। हाँ नहीं मतलब कभी कभार ही होती ना, अदरवाइज कहाँ साहब आप बिजी रहते हो। तो मैं लोगों को नहीं बताता, मैं कहा हाँ बस, कब हम उनके यहाँ नाश्ता, कभी बच्चन साहब मेरे यहाँ, तो मैं कहा चलता रहता है। उनको ये मत बताना कि ये बच्चन साहब, वो बच्चन साहब नहीं।
मेरे को एक किस्सा याद आ गया, मैं फटाफट सुना दूं, मैं भूल ना जाऊं। अभिषेक सर, ये ना 2001-2 की बात है, तो हम लोग फिर पहुंचे हुए थे, हम पहुंच जाते थे शाम को जलसा ना मीरा रोड से ट्रैवल करके, तो हमने कहा कि यार संडे होता है, हमने सुना था पहले भी होके गए थे मंगल बुधवार, हमें कभी मिले नहीं, तो किसने कहा कि आप संडे के दिन आइए तो बच्चन साहब बाहर आते हैं, सबको हाथ ही लाएंगे। तो संडे को गए तो बच्चन साहब तब भी नहीं थे वहाँ पे, तो एक नीले रंग की या काले रंग की गाड़ी आई, तो हम पीछे हो गए, तो गाड़ी अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को हमने पूछा बच्चन साहब अंदर, कहते नहीं, तो आपकी दादी जी थे तभी, तो उनकी तबीयत खराब थी शायद, तो वो हॉस्पिटल से आ रही थी, तो वो भी फ्रैंक हो गया हमारे साथ जो सिक्योरिटी वाला था, कहते नहीं तेजी बच्चन जी हैं वो आई हैं, बच्चन साहब तो शायद ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक लड़का था और पंजाब से आया था, वो और फ्रैंक हो गया, कहता अच्छा 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 तो बच्चन साहब कब आएंगे, कहता चल भाग यहाँ से। पाजी एक अफवाह सुनी हमने कि जब बोल बच्चन आप कर रहे थे जी, तो आपने शर्त रखी थी कि एक सॉन्ग अजय पाजी का डांस होना चाहिए, तो आप इनके डांस के फैन हैं कि आप दिखाना चाहते थे कि आप इनसे बेटर? रोहित ने बताया ना आपको, हम अपने सोर्स रिवील नहीं करते सर, ये इन्होंने बताया होगा। नहीं मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा, जैसे न्यूज वाले अपने सूत्र नहीं बताते ना, सूत्रों के अनुसार नहीं, ये अपने सूत्र, ये बिल्कुल सही है। हम लोग जयपुर में शूटिंग कर रहे थे जी, आई थिंक वी हैड जस्ट फिनिश्ड शूटिंग दैट डांस सेक्शन, एक सेक्शन है जहाँ वो मेरा जो दूसरा किरदार था जी अली का, वो नचाते हैं हमें एक मेडली पे, मैं अकेला नाच रहा हूँ सब लोग के सामने, ये बैठ के देख रहे हैं जी। तो उसके बाद मैंने, रोहित आया था शाम को कि बहुत अच्छा हुआ सब ठीक से हो गया, मैंने कहा ठीक है लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए कर लिया है, अभी आपको अजय देवगन को नचाना है। नहीं नहीं क्या है, कहते नहीं नहीं यू हैव टू मेक हिम डांस, नहीं तो मैं पिक्चर और नहीं करूँगा। तो इसीलिए जाके फिर ना एक गाने में थोड़ा बहुत उन्होंने किया, पर हम एक साथ एक गाना कर रहे थे उसमें ये फुल नाचे थे। मैं तो बहुत बड़ा फैन, बहुत ही अच्छे डांसर हैं ये। आई यूज ट्रेंड ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे याद है हम लोग जब छोटे बचपन में जब ये एक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग फाइटिंग वाइटिंग, वो डांस ट्रेनिंग भी लेते थे ये ना, भाग जाता था। कैसे अजय सर, हाय। आज पूरी बोल बच्चन की टीम है। हाय जी सर, क्या बात है। एक मैं अर्चना, एक बार बोल बच्चन फैमिली के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, तू क्या कर रहा है, जाना फिर ये हम लोग संभाल लेंगे। हाँ, ये फिल्म वालों के बीच में टीवी वालों का क्या काम है। हाँ, वो भी सही है। नहीं नहीं, ये भी बोल बच्चन ही तो है। हाँ, ये इधर ही बोल बच्चन, टीवी का बोल बच्चन। नहीं नहीं, इसको कुछ बोलेंगे नहीं, बताया कि टीवी वालों की बहुत बद्दुआ लगती सर। बैठे बैठ जा, बैठ जा। बोल बच्चन की टीम नहीं आ जाइए, बिग बुल की टीम है। हाँ हाँ मालूम है, बिग बुल वाले आए ले। हाँ, तो अर्चना जी को पक्का बुल का रोल दिया होगा आपने पिक्चर के अंदर। बिग बुल अर्चना जी नहीं है उसमें, अभी अभिषेक सर। अच्छा, वो लोग है ना, मैं जानती हूँ। मेरे तो फेवरेट है। मैं तभी मार्केट गई थी सब्जी खरीदने के लिए, आप लोग के लिए सब्जी लाई लिए। सब्जी लाई? हाँ, फेवरेट है ना मेरे। अच्छा, ये देखिए, ये लाई गोभी का बड़ा भाई, ब्रोकली। ये पढ़ लिख के तरक्की करके ब्रोकली बन गया, देखो। पर कपू, ये ब्रोकली लोग खाते हैं कि इसमें तो टेस्ट भी नहीं रहता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ, है ना। ये ब्रोकली के साथ मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 36 का आंकड़ा है। और आपको मैं बताऊं, ये ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड। ये कोई क्यों बनाएगा ब्रोकली? सही बोले, मेरे को इंग्लिश में समझा नहीं लेकिन बोल सही रहे, एक्सप्रेशन सही है कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। हां, गोभी हम लोग ने मिला जुला की, ये ब्रोकली क्यों, हु विल ईट दिस? जब ठीक नहीं बनी तो उन्होंने खबर फैला दी कि ये सेहत के लिए अच्छी होती है। करेक्ट करेक्ट, इसका सैलड बनता है, पता है तेरे को? जितनी से तरक्की की ना, इसका बंगला भी बनेगा एक दिन मेरे को लगता है। और ये कह रहा था अजय सर, ये देखो, ये अंग्रेजों का आड़ू, क्या नाम है इसका? आड़ू, एवोकाडो। एवोकाडो कहाँ, कौन? एवोकाडो। एवोकाडो, अरे काय का काड़ो ये, इससे अच्छा ये साउथ का काड़ो रहता है। ये देखिए, इसमें पानी काढ़ो, मलाई काढ़ो, गिरी काढ़ो, तेल काढ़ो। कोई ज्यादा बकवास करे, सर पे काढ़ो, ये ज्यादा अच्छा काढ़ो रहता है रे। तो दिखा ली सब्जी, यहाँ भी जा आप, चल। अरे नहीं, बिग बुल वाले आए ले लो, उनसे बात करेगी ना मैं। क्या? और सर, कोई गलती हो जाए तो बुल चुक माफ। बिग बुल, बुल चुक, मैं ऐसा बना लेती हूँ। समझ गया हम लोग, समझ गए। कहाँ से लाती है ऐसी तू बातें? मैं वो शिकंजी वाला है ना, उससे मेरे को छुट्टा लेने का था। अच्छा। तो छुट्टे की जगह उसने मेरे को 3-4 जोक दे डाले। मैं मेहनत करती हूँ, ऐसा नहीं रात भर बैठते हम लोग तो कुछ भी नहीं बोलने का इधर। खैर, ये आपकी पिक्चर शेयर मार्केट के ऊपर है ना ये भी सर? हाँ जी। ये शेयर मार्केट में मैंने देखा एटीट्यूड बहुत रहता है। क्यों? बात बात पे उछलता है, बात बात पे उछलता है, क्या लगा रखा है। तो आप इस पिक्चर के अंदर शेयर में पैसा लगा के बिग बुल बने हैं ना? हाँ जी।
अच्छा मेरा जो छावा है ना नाला सुपर में मुकेश वो ना डुक्कर पे पैसा लगा के पिग बुल बन रहा है पिग बुल क्या होता है कहाँ होता है ये कहाँ क्या होता है अभी बोला ना नाला सुपर में तू मेरी बातें सुनता नहीं क्या मैं बोलती क्या हूँ यहाँ पे लेकिन मेरे को वो डाउट है क्यों तो उसका जितना पैसा है ना वो सब गटर में जाने वाला है क्यों अरे डुक्कर लोग गटर में ही जाते हैं ना तो पैसा भी गटर में जाएगा नहीं डुक्कर लोग का ऐसी रहता है मैं ना बीच में तीन चार डुक्कर को चेन बांध के ना उन लोग को पार्क में ले गई थी घुमाने ओह गॉड वो लोग बोर हो जाते हैं उधर उनको उन लोग को गटर ही अच्छा लगता है मैं देखिए हो गई फालतू बातें तेरी नहीं ये बातें करवा लो इससे बस नहीं मैं काम की भी बात करेगी अजय सर अजय सर मेरे को पूछने का था आपको अभी आप इतने बड़े आर्टिस्ट है इतना हिट हिट पिक्चर देते हैं आपके पास इतना पैसा भी है तो मेरा एक सवाल था घर पे आप जब ऐसा पत्ता को भी छीलते हैं तो अंदर से पत्ते ही निकलते हैं ये कैसी बात कर रही है पत्ते की बात कर रही हूँ मैं बोलते ना फालतू की बात करते हैं पत्ते की एक और पत्ते की बात बताऊँ क्या बता पता गलत हो ना तो कुरियर नहीं पहुँचता है मैं सच्ची बोलती हूँ अच्छा ये भी सर मेरे को आपसे भी एक चीज पूछने का था ये जो जूह पे आपका बंगला है जलसा तो ये जो मेट्रो की जो लाइन है ये आपके बंगले के सामने से ही शुरू होने वाली है वहां से क्यों शुरू होगी नहीं अरे क्योंकि बच्चन साहब हर संडे को आके उधर ही खड़े होते हैं ना हाँ तो पूरी दुनिया जानती है वो जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है अच्छा ये इसने बोला था बोलने के लिए मेरे को अच्छा मेरे को ये भी सर एक और चीज पूछने का था अभी आप लोग का घर आगे पीछे है ना सर बंगला में जी तो आपके यहाँ तो पार्टी विटी भी होती है सर दिवाली पार्टी तो ऐसा कभी लोग ज्यादा हो जाएं और ऐसा बैठने का प्रॉब्लम हो तो इनके घर से गद्दे विद्दे मंगाते के पांच सात कैसी बातें कर रही है वो बड़े लोग हैं गद्दे क्या मंगवाएंगे तो बड़े लोग हैं तभी गद्दा बोली वरना हमारे जैसे लोग तो दरी पे एडजस्ट हो जाते हैं हां सच्ची में अर्चना जी हम मेरे से कितनी बार दरी मंगवाती है हम दरी भेजते ना तो बाद में अपना चाचा लपेट के भिजवा देती है घर के अंदर ऐसा इनका तो बहुत प्रॉब्लम है रे बाबा खैर ये भी सर आप फर्स्ट टाइम अजय सर को तो मालूम है हमारा मेरा इधर पार्लर है तो अरे हाँ सपना ब्यूटी पार्लर तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है क्या मसाज है तो हमारे पास शेयर मार्केट मसाज है अच्छा इसमें क्या होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग कस्टमर कपड़ा उतर के तेल लगाते फिर उसको ऐसा मार्केट में उछालते ऐसा उछाल के उसका वीडियो बना लेते फिर क्या मार्केट में शेयर कर देते ऐसा शेयर तो शेयर मार्केट मसाज इसमें अच्छा फिर हमारे पास एक मेन मसाज है बोल बच्चन मसाज इसमें क्या होता है इसमें क्या रहता है कप्पू दो सुपरस्टार लोग रहते हैं वो लोग एक पिक्चर बनाते हैं अब पिक्चर का 150 करोड़ पिक्चर सुपरहिट हो जाती है उसमें एक नया लड़का रहते हैं उसको चांस देते हैं वो बहुत अच्छा काम करता है मेहनत करता है उसको अवार्ड इवार्ड भी मिलता है अच्छा लेकिन फिर क्या रहता है वो दोनों सुपरस्टार लोग लाइन से फिल्में करते रहते हैं लड़के के पास कोई काम नहीं वो लड़की बन के किधर तो बैठे ना ऐसा कभी वो लोग सोचते नहीं है कि लड़के को बुला के एक रोल दे दूं मैं सब ये मसाज है नहीं ये रिक्वेस्ट है मेरे को भाई मेरी रिक्वेस्ट से किसी गरीब को काम मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें खैर जब बुलाएंगे बुलाएंगे सर मैं चलती है मेरे को बहुत लोग आते हैं ना मसाज करने इधर वो आपके क्रिकेटर है ना क्रिस गेल हाँ। अरे वो क्रिकेट खेल खेल के उनका गेल थक गेला है तो उसका मसाज करने जाना है मेरे को शुभकामनाएं आपको मैं आती सर कुछ सवाल है जनता के आपके फैंस के अरे बाप रे वो जानना चाहते हैं कि आपने कभी ऐसा किया है या नहीं ऐसा कभी हुआ है या नहीं कभी मम्मी से पीठ पे थप्पड़ खाया खुले पंजे का ऐसे करके जो पड़ता है बचपन में हाँ बहुत बार खाया बचपन में पूरा निशान पड़ जाता था ना पूरा वो पीठ पे था तो दिखा नहीं मुझे हाँ हाँ मतलब पीठ पे पड़ता दिखेगा कैसे पड़ा होगा निशान पड़ा होगा अभिषेक भाई आपको कभी पड़ा जी नहीं मम्मी से नहीं पीठ पे नहीं पीठ पे तो मेरी बहन मारती थी थप्पड़ जरूर खाया है माँ से लेकिन अच्छा। जब तक मैं हाँ 7-8 साल का साथ तब तक Dad? उसके बाद इतना लंबा हो गया मैं कि वो पहुंच नहीं पाती थी अभिषेक डैड ने कभी मारा नहीं डैड ने आज तक
ना तो मेरे बहन पे या मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। डांटा तो होगा? डांटा भी नहीं है, बस उनका अभिषेक वो काफी है, लुकी काफी है। खा लिया। वो ज्यादा समझदार है, वो बचपन में ही समझ गए थे इसका कुछ नहीं हो सकता, डांटने का कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो। हमारा चंदू नहीं, चंदू ढाबे वाला, बच्चन साहब को मिला लिया साजिश में कि सर प्रैंक करेंगे इसके साथ। तो बच्चन साहब भी अंदर से तो शरारती है ही ना, बोलते ठीक है करें, किसी को नहीं पता ना। हम जो प्रैंक किया ना उसके साथ, तो वो इतना डर गया, बच्चन साहब उठ के चले गए। अच्छा, बच्चन साहब को जाना इस तरफ था, तो इस तरफ चले गए, कहते मैं जा रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। तो चंदन को लगा कि बच्चन साहब नाराज हो गए हैं, तो उसको समझ ना आया, कहता सर सॉरी, ऐसे ऐसे होता ना पैर पड़ने वाला, वो शुरुआत करते हैं आप स्टांस लेते हैं ना सर, तो कहते नहीं बस। तो चंदन को समझ ना आया मैं क्या करूँ, तो ना वो जो रोने से पहले एक सेकंड पहले मुंह नहीं बनता सर, उसने वो भी बना के देख लिया, वो बाद में मेरी हंसी निकल गई पता चल गया, लेकिन बड़ा डराया था चंदू को इतना, मतलब हाँ लुक देख के वैसे ही बंदा डर जाए। वो तो है वाकई। कभी चाय में बिस्किट डुबो के आपने चेक किया है कि कितनी देर बाद टूटता है ये? हाँ मैंने किया। इतने बड़े सुपरस्टार हो के ये सब काम करते हैं? अरे बचपन में मैं सुपरस्टार नहीं था, तब चाय में बिस्किट डाल के खाते थे, कॉफी पीते हैं, अब हम कॉफी पीते हैं। ओह, मैं तो अभी भी बड़ा होकर भी चेक करता हूँ कभी कभी बिस्कुट टूटता कितनी देर बाद है। तेरा टूटता बिस्किट? नहीं, सबके अलग अलग बिस्किट का अलग अलग डिपेंड करता है कौन सा बिस्कुट है। क्रीम वाला डबल होता है, जो बीच में लेयर लगी होती है वो काफी देर नहीं टूटता। कभी आप किसी ठंडी जगह पे शूटिंग करने गए हो और बाथरूम में जाके शॉवर चला के थोड़ी देर आप खड़े होके सोचा कि आज नहाए के रहन दे? ये क्या सवाल? नहाते जरूर थे, लेकिन लद्दाख के बारे में बताओ भाई। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं वो तो भयानक। हम लोग एलओसी शूटिंग कर रहे थे लद्दाख में। अच्छा, -28 डिग्री। हाँ जी, और उस जमाने में लद्दाख में कोई ऐसे हीटर नहीं होते थे, पाइपों से गर्म पानी नहीं आता था, तो पाइप ही फ्रीज हो गए थे ना। पाइप फ्रीज हो जाते थे। -28 बाप रे, तो रात को क्या होता होगा? सुबह जब नहाना पड़ता था तो यू हैव टू टेल द रिसेप्शन, और हम तीसरे माले पे थे ना शायद, तो रिसेप्शन में जो आदमी है उसे बोलने भैया नहाना है पानी ले आओ, तो बाल्टी उबालते थे गर्म पानी के साथ, और फिर वो बाल्टी लेके ऊपर आते थे और बाथरूम में रख देते थे। बाल्टी छोड़ के जब वो बाहर निकलते थे, आप अपने कंबल के नीचे हैं, तो फिर फुल करेज मस्टर करके, अच्छा रेडी, ये फेंका कंबल बाथरूम के अंदर गया, कपड़े उतारे और बाल्टी से पानी डाले। लेकिन जब तक ये बाल्टी नीचे से ऊपर ले आए, ठंडी हो गई, और आप अंदर घुसे, बाल्टी के ऊपर एक ऐसे बर्फ जम जाता, इट वॉज ओ माय गॉड। तब जरूर लगता था कि यार आज छोड़ देते हैं, आज तो एलओसी पिक्चर है, हीरो हीरो है, कोई हीरोइन तो है नहीं, किसी को इंटरेस्ट तो करना नहीं है, गोलियां चलानी है। और हम ये भी जानते थे कि हमारे जितने भी दोस्त थे उस पिक्चर में, वो भी उनका हालत यही है, तो वो भी चाहते ना आगे। ओह वाकई, हम तो सर अमृतसर में रहते थे, आपको पता है माइनस में चला जाता है वहां पे दिसंबर जनवरी में, तो भगवान बड़े याद आते, पता पहला डिब्बा जब आदमी डालता हरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई तो मैंने ऐसे भी देखे, दिनेश नहीं अपना, ये क्या कर रहा है, वो तालाब होते ना हमारे उधर बड़े, तो उसमें पानी चेक कर रहा था कि, फिर इसने देखा कि बहुत ठंडा है, एडी डुबो के कहता है एडी नहाई तन नहाया मन नहाया मन नहाया मैं नहाया, कहता बगल में इसका भाई खड़ा था, वो इसको हाथ लगा कहता तू नहाया मैं नहाया। सर एकदम चिल्ड आइसक्रीम खा के 5-6 सेकंड के लिए तोतले हुए हो कभी? हाँ ठंड में, ठंड में होता है, होता है। You can't feel your tongue, na? So you don't know how you're speaking. Suddenly softly खा के ना? पाजी कई बार ये भी होता है, अभी वो जमाना निकल गया, लेकिन कुछ 10-15 साल पहले हम लोग आउटडोर जाते थे स्विट्जरलैंड, बर्फ में शूटिंग कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे, तब होता है। और वहाँ इतनी ठंड होती है और आपको ये एहसास नहीं होता है, क्योंकि दिन भर आप वहाँ बाहर खड़े हैं, और वो चलिए माइनस डिग्री छोड़ दीजिए, 2-3 डिग्री भी हो, सारा दिन अगर आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं, योर एंटायर जॉ फ्रीजेस। सो जब गाना पड़ता है ना, तो अगर आप देखें बहुत सारी फिल्में ऐसे हम लोग और खुल नहीं रहा, मुंह नहीं खुलता है। एक बार तो मुझे याद है स्विट्जरलैंड में हम शूट कर रहे थे, तो एक ट्वाइलाइट गाने का एक पोर्शन था, ट्वाइलाइट शाम को माइनस में टेम्परेचर था, बर्फ, तो डायरेक्टर ने और कैमरामैन ने कहा कि दिस शुड बी अ वेरी यू नो वो हनीमून काइंड ऑफ, तब्बू और मैं थे,
आग लगी हुई है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हो वादियों में, तो आई वॉन्ट शाइन ऑन योर फेस एंड हेयर एंड ऑल दैट. तो हम लोगों ने बोला काम करते हैं कि जो भी मैंने तब्बू को बोला मेकअप वेकअप निकाल देते एंड लेट्स पुट सम ऑयल एंड जस्ट पुट लिटिल ऑयल इन द हेयर एंड वो ना वैसे करके कर लेंगे. तो बोला डन, हम रेडी हो गए. शॉट रेडी हुआ तो जैसे ही गाड़ी से उतर के शॉट देने गए, जैसे शॉट शुरू होने लगा दोनों के बाल सफेद होके खड़े हो गए. वो तेल जम गया, वो नारियल का तेल जम गया. तो वाकई बड़ा मुश्किल. आपने कभी खाई है अर्चना ठंडी आइसक्रीम एकदम? और आइसक्रीम तो ठंडी होती, ठंडी आइसक्रीम ही खाई है. हाँ, मतलब कभी गरम आइसक्रीम ठंड में, ठंड में, ठंड में. ऑफ कोर्स मसूरी में खाते थे हम लोग. सोचो आप अजय भाजी अगर खाए डायलॉग भाजी वैसे ऐसे आइसक्रीम खा के आता माजी ततकली. कभी ऐसे किसी रैंडम आदमी को आपने फोन कर दिया हो ऐसे ही कोई काम ना हो और सुनाओ कैसे हो, और वो भी हैरान हो गया हो कि इनका फोन कैसे आ गया. कभी ऐसे होता आपके साथ? लास्ट मैंने कब फोन किया था तुझे? आज कोई इम्प्रोम्प्टू सब्जी खा के आया. एक ऐसा सवाल मेरे पास भी है अभिषेक के लिए. जी. कभी तुमने किसी फीमेल एक्टर को स्विमिंग पूल में फेंका है? एक्टर? फीमेल एक्टर. एक्टर? यस. हाँ ये सही बोल रही है. बताए दो किस्सा क्या है फिर ये. मैं किस्सा सुना दूं. बहुत साल पहले अर्चना जी ने एक फिल्म की थी डैड के साथ अग्निपथ. हाँ हाँ कांचा जी ना करो. सॉरी दूसरा. और उन दिनों से मैं अर्चना जी और बिट्टू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हमेशा बहुत प्यार दिया है. तो डैड वन द नेशनल अवार्ड फॉर अग्निपथ, हिज फर्स्ट एक्टिंग नेशनल अवार्ड. तो हमने एक दावत रखी थी कोई होटल में और रात भर सब लोग वहाँ जश्न मना रहे थे. दिस इज अर्ली 90s. 90s हाँ. एंड कैरियोके सब लोग गा रहे थे ये वो दैट. देन सब लोग देयर वाज अ स्विमिंग पूल देयर. तो मैं छोटा था, मस्ती खोर था. स्विट्जरलैंड से आए थे तुम और श्वेता. आई थिंक यू हैड जस्ट कम फ्रॉम. या आई वाज आई थिंक मस्ट हैव बीन 13 14 इयर्स ओल्ड और समथिंग. व्हाट अ ब्रैट. तो ये मुझे मिल गए थे तो मैंने इनको स्विमिंग पूल के अंदर ढकेल दिया था. मैं मिनी स्कर्ट पहनी हुई यार, इसने मुझे पीछे से आकर ढकेल दिया स्विमिंग पूल में. देन कुछ आई हर्ड सम न्यू वर्ड्स दैट डे कपिल. आई यू नो डिड नॉट. आई वाज स्मॉल चाइल्ड. समथिंग अबाउट माय मदर, अबाउट माय सिस्टर. तो मुझे उन दिनों मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता था. तो मैंने कहा चलो शायद मेरी माँ को याद कर रही है. शायद माँ को कंप्लेन कर रही है, मेरी बड़ी बहन को, मेरी बहन को बुला रही. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. इतने सॉरी बोले होंगे अमित जी और जया जी ने. और अमित जी ने यही बोला था कि ऊपर कमरे में वो हमारा कुर्ता पजामा रखा है, तो अगर आप, मैंने कहा नहीं, मिनी स्कर्ट निकाल के अब पार्टी में कुर्ते पजामे में और वो भी आपके साइज के ये पहनकर नहीं घूमूंगी. बट ही वॉज सच अ ब्रैट. इतने प्रैंक्स. आई थिंक अजय ऑल्सो, यू ऑल्सो डू प्रैंक्स. मुझे हाँ. So ye, when you were a spot production guy in his, I think you must have learned to play pranks from him, hai na? Of course. He is the mastermind. Master. Yeah. And Harish is makeup guy and I were told ye karo, wo karo. Arey, bahut, we had one assistant director, unko hum log Neem Rana mein shooting kar rahe the, Neem Rana Fort mein. Aur kuch do hafte ka shoot tha climax ka. Achha. So from day one ye shuru ho gaya, unko batana ki ye idhar haunted hai, idhar ek bhoot ghoomti hai. और हर रात को मुझे भेजते थे कि उधर थोड़ा खून लगा दो बेड के ऊपर. oh. तो एक दिन ऐसे चीनी लगा दो पिलो के नीचे, वो चींटियां आ जाएंगी. oh. तो उन्होंने बोला कि पता है जब चींटियां आती है ना उसका मतलब है कि भूत घूम रहा है. फिर लास्ट नाइट को, जब तक ये आदमी एकदम डर गया था, लास्ट नाइट को मुझे ये चुन्नी पहना के पायल लगा के दरवाजे के बाहर चलाया था. आखिरी आखिर ऑल दिस ही डज. फिर सीट के नीचे वो पटाखे लगाना, हम लोग उसको स्क्विप बोलते हैं, जो बुलेट इफेक्ट होता है ना. हाँ. वो सीट के नीचे. हाँ. वो सारी रात थके हुए हैं, बैठ गए तो उसकी ने वो ही इज वेरी बैड. बोल बच्चन के दौरान भी तो वो सुनील शेट्टी का नेफ्यू वाज असिस्टिंग ना. हाँ. वो शॉर्ट्स पहनता जो कि पैरों पर तुमने डक टेप लगा दिया था. वेरी बैड. ओके यू शुड नॉट डू ऑल दिस. क्या मिलता है आपको लोगों को टॉर्चर करके? यार तभी हम बच्चे थे, छोटे थे, बड़े हो गए हैं. पर बच्चा जिंदा रहना चाहिए मन के अंदर. बच्चों को मजाक तो करना अलाउड है ना. हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल. एक बार तो आपने बच्चन साहब के मोबाइल से भेज दिया था ना पराग को मैसेज.
पराग सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गया. क्या क्या He's the only one who can do that with my dad. And my dad loves that about him. पर इनके पास कोई ऐप था पता नहीं कुछ तो तब एक कुछ अजीब सा इलीगल ऐप आया था जो बंद हो गया तो मैं मतलब आई कैन टेक योर नंबर और आपके नंबर से मैं अपने फोन से ही आपके नंबर से मैं कपिल को मैसेज भेज सकता हूँ व्हाटएवर आई वांट थैंक गॉड इट्स इलीगल नाउ यार या तो अमित जी के नंबर से मैंने पराग को वेरी इंपॉर्टेंट कम एट 6 इन द मॉर्निंग ये सुबह 6 बजे उनके पास पहुंच गया वो इसकी तरफ देख रहे हैं तो उनकी तरफ देख रहा है ये बोल रहा है सर आपने बुलाया बोला मैंने कब बुलाया 10 मिनट वो चला फिर बोला सर मैसेज देखिए अमित जी भी मैसेज देखिए यार ये नंबर तो मेरा है मैंने कब मैसेज भेजा अमित जी ने पता लगाया कि किसने की शरारत अमित जी को पता मैंने कब बताया अमित जी को बताया जब मैं उनके शो पे गया था केबीसी में तब ऑडियंस के सामने बताया तो दैट इज द टाइम वी केम टू नो सो फॉर ऑल द टाइम पराग जो इनके पब्लिसिस्ट है उन्हें पढ़ रही थी 6 बजे तुम कैसे पहुंच गए घर के बाहर लेकिन सर आपने बुलाया मैंने कहा बुलाया जब ताना जी रिलीज हुई थी ना अभिषेक सर तो अजय सर और काजल मैम साथ में आए थे बड़ा मजेदार एपिसोड हुआ था सर थैंक यू फिर अभी हाल ही में रितेश जी निल्ली आए बड़ा मजा आया ऐसे ही लोग बोल रहे थे कहते कभी ओ अभी समझा मैं अच्छा बोलते कभी आप और अश्वर्या मैम साथ में आए तो बड़ा मजा आएगा ऐसे मैंने सब एपिसोड देखे उनके साथ आपके जो हुए थे अच्छा जी एक काम करते हैं कपिल अगली बार जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है जी मैं उनके साथ आ जाता हूँ ये देखना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करते हैं क्योंकि मैंने सुना तो था ही देखा है कि आप कुछ ज्यादा ही खिल जाते हैं उनके सामने जवाब तो दीजिए नहीं मतलब सर देखिए अब बचपन से देखा है हमने मतलब बड़े बड़े स्टार्स को और जब कोई भी मैं बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा कोई भी स्टार जब आते तो खिल तो जाता है चेहरा हाँ मतलब वैसे ही उस वैसे ही तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप और ऐश्वर्या मैम कभी हमारे शो पे आइए आपने बुला लिया अभी जरूर आएंगे और एक बात बता हमको पूछ रहा है अभिषेक को पूछ रहा है तेरे 1000 शो हो गए तू कभी अपनी बीवी को लाया You mean to say let's change the topic? No, let's stick on this topic. Let's stick on this topic. बताइए लाया क्यों नहीं? आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाए? वो बोलती पर एपिसोड के तुझे जितने मिल रहे हैं वो तो वैसे ही आ भी रहे हैं तो मेरा जाने का क्या फायदा? बिजनेसमैन की बेटी है ना? आप अपनी बीवी को ले आइए मैं अपनी बीवी को ले आता हूँ वो तो दो एपिसोड हो गए ना आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आए इनसे तो बात हो गई नहीं बाहर थे आप कहाँ थे आप नहीं मैं भी बाहर था आपसे बात हुई थी हाँ 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 ठीक है मैंने इनको मैसेज भेजा था फोन किया था मैं बोला हाँ। देख मैं फंसा हुआ हूँ नहीं आ सकता हूँ बट अगली बार जरूर आऊंगा सोचो आप ये मैसेज कर रहे हैं अच्छा अजय पाजी की मैं एक बात बताऊं इन्होंने दिल है बेताब बनाई दिल वाले दिल जले हम दिल दे चुके सनम दिल क्या करे हाले दिल दिल तो बच्चा है जी पाजी इतनी दिल वाली फिल्में आपने की हैं हालांकि शादी आपने टाइम से कर ली थी तो दिल आपका हर फिल्म में क्यों लग जाता है शादी तेरी भी हो गई हाँ और फिर भी हर सैटरडे संडे यहाँ दिल लगाने आ जाता है मैंने सुना काफी लोग नेट पे लिखते हैं कि हमें कपिल की फ्लर्टिंग बहुत पसंद है या पीपल आर मिसिंग माय फ्लर्ट एंड योर वाइफ यू मीन टू से लेट्स चेंज द टॉपिक पाजी कुछ अफवाहें अभिषेक सर आपको पता उड़ती रहती हैं स्टार्स को लेकर आपके बारे में मतलब सबके बारे में उड़ती स्टार्स को लेकर अरे सर अफवाह ये है कि सिंगम के बाद 3 साल तक काजल मैम आपको चाइल्ड लॉक वाली सीट पे बिठाती थी क्योंकि उनको शक था कि आप गाड़ी से कूद जाओगे ओह गॉड अब ये अफवाह है मार्केट में अभी क्या करें ये तो 3 साल तक गाड़ी में नहीं बैठता था मेरे साथ कोई ओके अभिषेक के बाद इतनी चली हुई वो हवाई जहाज उन्होंने खरीद लिया था इसलिए ओके अभिषेक सर अफवाह ये है कि रिफ्यूजी की आफ्टर पार्टी खत्म होने के बाद आप थिएटर से खुद का 6 फीट का पोस्टर उठा के घर ले गए थे Is it true or a rumor? डर गया था पब्लिक फाड़ देगी ले गया नहीं ये सही नहीं रेफ्यूजी डिड वेल ऑफिस में रेफ्यूजी डिड वेल यू डिस्ट्रीब्यूटेड सच्ची में उठा के ले गए थे आप द फिल्म मेड अ लॉट ऑफ मनी
हमारी अफवाहें देखो सारी गलत नहीं होती है। प्रीमियर के बाद। अरे सर, एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि आप जिस फिल्म में होते हैं उसमें डांस डायरेक्टर ज्यादा चार्ज करता है। डांस डायरेक्टर होता ही नहीं। आज क्या करेगा? अभिषेक सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बोल बच्चन, बिग बुल, बॉब बिस्वास, ये सारी फिल्में आपने इसलिए करी क्योंकि इन सब का शॉर्ट फॉर्म बीबी होता है, और जो बीबी से करे प्यार वो बीबी को कैसे करे इनकार? ये हमने ना बड़ी मेहनत से बनाया ये। अच्छा। क्रिएटिविटी देखिए आप। सुपर्ब है, सुपर्ब है। 17 दिन में बनी ये लाइन। अरे जब फूल और कांटे में आप आए दो मोटरसाइकिल पे, तो आप पहली फिल्म थी आपकी, तो ऑब्वियसली है ना उस समय आदमी सुनता रहता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टर बोलेगा वो करेगा, लेकिन जब जो दो घोड़ों पे बैठ के आए, ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था। तो आपको डर नहीं लगा घोड़े इधर इधर हो गए तो वो पूरा स्प्लिट हो जाएगा आपका? मैं घोड़े को समझाया था ठीक से पहले। दो चार दिन डिस्कशन की, आराम से समझाया उनको, बताया कि इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, तो साथ रहो। ओह बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिए जनता के सवालों के, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभा रहे दो और कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित करने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सोहम शाह एंड निकिता दत्ता। सोहम, निकिता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पाजी पहले तुसी ए फड़ो। ए, ये क्या है? गंगानगर से स्पेशल भेजा घर वालों ने, बहुत गालियां पड़ेंगी। क्या बात है, क्या? स्पेशल बर्फी है हमारे यहाँ की। वाह, तो प्लीज ऐसे मेहमान आजकल आते ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहम जी, आपने तो खाई होगी बहुत बार। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी है, धन्यवाद। आइए निकिता। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो कोरोना का टाइम चल रहा है, किसी को चाय कॉफी पूछो तो कोई मांगता ही नहीं है, पर आप लेंगी कुछ? नहीं नहीं जी, बहुत अच्छा है, कोई नहीं पूछता है। अच्छा, इनसे भी पूछ लो ना। अरे कुछ नहीं पूछना, तुम क्या हो जाते हो? हमको आए कितनी देर हो गई? हाँ, दो घंटे तो, एक बार नहीं पूछा है ना, पानी पूछा। मुझे लगा इतने बड़े सुपरस्टार हो, पानी तो पी के आए होंगे, इसलिए नहीं पूछा। घर पे पानी नहीं मिलता। लेडीज को देखते ही ये शुरू हो जाते हैं। पेड़े खिलाओ। She loves all this पेड़ा। अरे नहीं सर, नहीं इसको खिलाओ, खिलाओ। अरे सर, इसका वो है कि 50 कैलोरीज बढ़ जाएगी, इसके पास सारे एप्स रहते हैं कि किसमें क्या कैलोरीज है, ये है। ऐसे ही है, निकिता ऐसे ही है। अच्छा जी, कुछ नहीं खाई, पानी भी नाप की पीती हो। पानी से भी वजन बढ़ता है? नहीं नहीं सर, ज्यादा हो गया। तो निकिता, एक बात पूछनी थी आपसे, आप हमेशा ही ऐसे ग्लो करती कि आज फर्स्ट टाइम मुझे देख के आप? नहीं, ये आपका ग्लो है, ये बिल्कुल आपका ग्लो है। नहीं मतलब होता है ना सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे आप इतना करीब से। अरे सर, आपके लिए हमें तो भी खिलाओ यार। बेशरम, हमको तो पूछ ले। वो कह रहे थे मेरे लिए लाए वो। ये वो कपिल देख रहा है कि उसके मिठाई का डब्बा आधा हो गया। वो बहुत, मैं नहीं खाती। नहीं, वो सिर्फ मंत्री वगैरह खाती है। मिठाई के डब्बे में से मिठाई कम करने के लिए मैं खाऊंगी। खाओ प्लीज। थैंक यू सो मच। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। खा लो, जिसने मेरी मिठाई खाई ना, पचेगी नहीं उसको। अजय देव क्या बोल रहा है? बाद में मिलना। बैठो आप। बहुत टेस्टी है। बकेट टेस्टी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेरी गुड। मिठाई से याद है, ढक दूं मेरी मिठाई ना खराब हो जाए। सॉरी। हम लोग दोनों खाएंगे ना? हम लोग यार, तो खोल ले ना, उनसे सील कर दी। हम लोग युवा की शूटिंग कर रहे थे कलकत्ता में। तो इनके एक दोस्त है वहाँ पे, गौरव गोइंग का। गौरव तो रसगुल्ले लेके आया, वो मटके में आते हैं ना रसगुल्ले। ओ लवली। हाँ। कितने? आई थिंक 24 रसगुल्ले थे। हाय हाय। तो मेरे रूम में लाके ऐसे रख दिए। मटके में आते थे? मटकी में आते थे। तो एक एक बाइट लिया हमने, बोला यार वेट बढ़ेगा। हमने माने एक सेकंड एक सेकंड एक एक बाइट लिया
और बोला कि हाथ नहीं लगाएंगे और शूटिंग कर रहे हैं, वेट बढ़ जाएगा, रोज कोई ना कोई मिठाई आ रही है. तो उठा के वो जो दरवाजा होता है ना कमरे के अंदर ही टेबल होता है, टेबल पे हमने वहां मटकी रख दी कि इसको दूर रखो. और उस दिन हम शूटिंग नहीं कर रहे थे तो दिन भर एक दूसरे के कमरे में आना जाना चल रहा था. ये 24 बार मेरे कमरे में आया, 24 बार गया, वो खत्म हो गया. जाते जाते एक उठा के निकल गया, वापस आया, एक उठाया खाया, दिन भर में 24 खा गया. लंबे चौड़े हैं ना इतने रसगुल्ले. द कपिल, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड, माय मदर इज द बंगालीज, सो यू नो रसगुल्ला इज इन माय ब्लड. या या ब्रो, या ब्रो. इन्होंने जो पूरा कहानी है वो बताया नहीं है. अच्छा, वो एक मटका तो मैं खा गया था. Next day when I came to get him for shooting, there was another matka that was empty. Which, where it came from, who ate it, nobody knows. ये अच्छा है. पूरी बात नहीं बताते आप? हाँ. जैसा उसने कहा, who ate it, nobody knows. Okay. और निकिता? Yes, back to Nikita. Yes, carry on. अभी हम लोग चले जाएं क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ चले जाओ. So, हम इतना प्यार करते हैं हमारे शो से, जुराबे पहननी भूल गए आज. किस्सा सुनाता हूँ आपको. जी. तो मेरी फिल्म तुम्बाड़ प्रीमियर हो रही थी वेनिस में. तो मैं मेरी माँ को बड़े शौक से लेके गया कि माँ यूरोप पहली बार जा रही है, वेनिस देखेगी, मज़ा आएगा माँ को, बेटा कहीं पहुँचा है. मेरी माँ मतलब फिल्म के बीच में ही सो गई. और मेरी माँ बाहर निकली, सब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, तालियाँ बज रही हैं. माँ सो गई, मैंने उठाया माँ को, मैं माँ उठो फिल्म ख़त्म हो गई है. बहुत एम्बैरस फील कर रहा था. माँ कहती कैसी फिल्में बनाता है तू, इतनी डरावनी है, वो दादी आती है तो डर लगता है, कैसी फिल्में बनाता है. कि मैं जदों मनांगी जदों तू कपिल शर्मा दे शो ते आऊगा. तो माँ मैं आ गया थे. मम्मी जी को बहुत बहुत प्रणाम. ठीक कहा था आपने. In fact, my father and my mother both have always told me कि कपिल के शो में कब जाओगे, मतलब कब वो टाइम आएगा when you end up going. सारी मम्मियां इसको बहुत पसंद करती है. मम्मियों की बेटियां नहीं ना करती, प्रॉब्लम यहीं पे आती है. एक ने पसंद किया, अम्मा ने फटाफट शादी कर ली. मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि निकिता ने 2016 में सोनी टीवी पे एक सीरियल किया था एक दूजे के वास्ते. उसके बाद सोनी पे इन्होंने हासिल भी किया, अभी हाल ही में सोनी की एक वेब सीरीज भी की है. आपको पूरा यकीन था कि सोनी से आप जुड़ी रहेंगी तो एक दिन हमारे शो में आने का मौका मिलेगा. मेरा यहाँ पे आने का प्लान बहुत पहले का था, वो तो टाइम अभी जाके मिला है. तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? आप लोगों ने आने नहीं दिया ना उस टाइम. कौन लोगों ने? हमारा शो और आपका शो एक साथ आया था अगर आपको याद है, 2016 में. तो अब जाके फाइनली आप आ जाया करो. कोई सीरीज फिल्म ना भी आ रही हो वैसे ही आ जाया करो. वो तो सुपरस्टार लोग आते हैं, ये लोग जब फिल्म में आती तभी आते हैं, अदरवाइज टाइम नहीं होता. आप तो कभी भी आ जाओ. अब तो बस रोज भागते भागते इधर ही. पर आप बहुत प्यारी लग रही निकिता. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आई आज. सोहम बहुत बहुत थैंक यू. सोहम को सिर्फ थैंक यू. आप प्यारी लग रही हैं, आप आया करो. सोहम को नहीं बोलेगा जो मिठाई लाया तेरे लिए. हाँ. उसको नहीं बोलेगा कि यार आप भी आ जाया करो. अभी मैं सोहम को क्या बोलूं, सेक्सी लग रहे हो आप, हॉट लग रहे हो. जो बिना जुराबे पहन गया आपके लिए सोहम. सोहम ये नोटिस कर रहा है, ये नोटिस कर रहा है बिना जुराबे पहन. नहीं पर सोहम को पहले भी सौभाग्य प्राप्त हो चुका है मुझसे मिलने का, आपके दर्शन करने का. अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँ कि सोहम जो है ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर तो अच्छे हैं ही. इनकी प्रोडक्शन कंपनी जो है उसका नाम है रिसाइकल वाला फिल्म्स. तो इसमें आप नई फिल्में बनाते हैं? मैं खुद के लिए फिल्में बनाता हूँ इसमें. नहीं यार मैंने सवाल ही पूरा नहीं दिया. मतलब ये कैसे नाम आया सोहम आपके दिमाग में, रिसाइकल वाला? ऐसे कुछ फ्रेंड थे, उनको लगता था कि यार कुछ कूल सा नाम रखना चाहिए. ना भाई वो तेरे दोस्त नहीं. तो उन्होंने सजेस्ट किया, हमने रख लिया, तो चल रहा है. ऑनेस्ट है, हम लोग फिल्में बनाते हैं. कितने सालों से फिल्में बन रही हैं? 100 साल से ऊपर हो गए हैं. राइट. कहानियां वही 10 है, उसको तो रिसाइकल करते हैं, बनाते रहते हैं. एक्चुअली वही फॉर्मेट्स हैं, ले देके. थैंक यू सर, थैंक यू. ये मिठाई उनको ना दे देना. सो हम निकिता, अभिषेक सर तो इस फिल्म में स्कैम कर रहे हैं और ये स्कैम को प्रोड्यूस कर रहे हैं. आप दोनों इस फिल्म में क्या कर रहे हैं? मैं तो स्कैम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं तो भाई को बार बार पकड़ रहा हूँ कि भाई रुक जाओ, मत काटो 500 करोड़ के चेक. ये काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं. अच्छा. तो मेरा काम इस फिल्म में है कि स्कैम को बचाऊँ, पर बचा नहीं पाता हूँ. भाई आगे बढ़ते चले जाते हैं. पर बहुत मज़ा आया मुझे इनके साथ शूट कर.
एक तो ये फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होते हैं, किस्से होते हैं, बहुत सारे। और हम लोग वहां से आते हैं जहां कोई पूछता था कि वहां एक शूटिंग हो रही है 100 किलोमीटर दूर, तो हम पहुंच जाते थे शूटिंग देखने के लिए, मतलब फोटो खींचने के लिए मिल जाए तो बल्ले बादशाह। पर भाजी एक बात और है जी, इनके साथ शूट करो ना कभी लंच वंच नहीं करना चाहिए। क्यों? एक बार हमने लंच किया, एक तो उनको बॉम्बे की सब जगहों को पता है कि कहाँ कौन सा खाना अच्छा मिलता है, तो हम टाउन में शूट कर रहे थे, इन्होंने कहा लंच के लिए आ जाओ, मैं चला गया। इन्होंने कुछ आइसक्रीम मंगाई, बहुत टेस्टी सी, और इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम आइसक्रीम खाओगे। मैं डाइट करने की असफल कोशिश कर रहा था उस समय कि मैं कुछ डाइट कर लूँ, मेरा आगे कुछ रोल था, तो मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं खाऊंगा, आप कैरी ऑन करो। तो इन्होंने खाना शुरू किया, लोगों ने खाना शुरू किया, मैंने देखा, मैंने कहा सर मैं एक तो खाऊंगा, फिर मैंने एक खाई, फिर मैंने दो खाई, तो फिर मैंने तीन ही खा ली। तो कुल मिलाकर इनके साथ लंच करना ना बहुत बड़ा खतरा है। शूट करो आप फूडी, आई थिंक कोई भी प्रकार का खाने का आइटम इनके पास अगर आसपास हो एंड यू आर आल्सो प्रेजेंट देयर, यू आर इन डेंजर। और तुम तो डेंजर हो, तुम तो डेंजर में क्या बात है, तुमने वो भी नहीं खाई। हमें तो डेंजर है, हमें तो खाना मिले हम तो बोलते बहुत मजा। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल नहीं खाती इलियाना, इज गुड फन इलियाना खाई। ये काम भी भाई एक्ट्रेस ने खराब किया है, सब एक्ट्रेस बोलते हैं कि हम पतले हो गए डाइट में, अब 2, 4, 5, 6 एक्टर पतले होके आ गए, अब बाकियों को उनकी वो नकल करनी पड़ेगी, नहीं तो पहले थोड़ी ना सब खाते पीते ही थे पूरे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक्टिंग का फोकस जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। हाँ, ट्रू, दैट्स द प्रॉब्लम। ये अजय देवगन ने बताया था मुझे बहुत साल पहले। क्या ऐसे तुम बॉडी शॉट ही नहीं बनाना चाहते हो? ऐसे नहीं, मैं एक्टिंग करता हूँ। अभिषेक सर एक बात बताओ, अश्वर्या मैम आपकी वाइफ हैं और एक्टर भी हैं। क्या बात कर रहे हो, रियली? मैं ये इसलिए पूछा था कि वाइफ जो होती हैं अच्छी क्रिटिक भी होती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कोई आपका रोमांटिक सीन देखा किसी फिल्म में तो आपको एडवाइस करी हो कि अभिषेक ये आप और बेहतर कर सकते थे या आप ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा कभी बोलती हैं आपको? एक बात बताओ, आपकी वाइफ आपके शो देखती हैं, उन्होंने कभी आपसे ये कहा कि आप निकिता के साथ ज्यादा बेटर फ्लर्ट कर सकते थे? मतलब ऐसे बीवियां कभी नहीं बोलेंगी, है ना? अच्छा, क्योंकि आप शो दिखाते नहीं हो। हाँ। मैं भी पिक्चर नहीं दिखाता हूँ इसी वजह से। ओ, तो ये सीखने वाली बात है। और भाई साहब, you mean change the topic? नहीं पता नहीं, अभी आंखों ऐसे देखते ना मुझे लग रहा है कुछ तो आने वाला है इनकी तरफ से। ये बोल रहे कि मेरी बीवी के बारे में मत पूछना। कल मैंने नेट पे एक जोक पढ़ा, वो याद आ गया मुझे। क्या? एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के पास जाता है इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। बोला भाई साहब मेरी बीवी मुझे मिल नहीं रही है, यहाँ कहीं गुम हो गई है, आप 5 मिनट मेरे से बात कीजिए ना। तो बोली मेरे बात करने से क्या होगा? बोला जब भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे से बात को कहीं से भी आ जाती है। बिग बुल की स्टार कास्ट हमारे शो में आई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, आज ओए होए 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 करके नहीं एंट्री ली तूने? यार सारी जिंदगी ओए होए होए करते रहना है मैंने। ये है चंदू का नया वर्जन। नया वर्जन? तेरी नाभी में जीपीएस लग गया है तेरा, नया वर्जन क्या है? नहीं इधर मैंने स्टीयरिंग लगवाया, टेस्ट ड्राइव लेनी है आपने? यार कितने बड़े स्टार आए हमारे शो में, देखना अर्चना जी इस बार सोनी की निफ्टी में कैसा उछाल आता है। अच्छा, इसको पूछो, इसको पता है निफ्टी के बारे में क्या होता है? यार पहले मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, अब मैं मैथ भी सिखाऊं? जैसे 48 के बाद 49 होता है, 49 के बाद फिर निफ्टी होता है। नहीं यही लोग हैं सर जिनकी वजह से सेंसेक्स गिरता है। अजय सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं और कई कई बार देखी हैं सर। हाँ, और फूल और कांटे के चक्कर मैंने उसमें मुक्के और चांटे भी खाए। सर टिकट लेने के लिए लोगों की भीड़ बहुत थी, वो मुक्के चांटे पड़ रहे थे, मैंने खा लिए। मैं बताता हूँ क्यों खाए इसने, इसने ना टिकट खिड़की नहीं होती थी जिसमें हाथ डालते हैं ऐसे, तो इसने भी हाथ डाल दिया, कह रहा 3 टिकट, इसको पता नहीं था पैसे भी देने होते हैं। उसने गुस्से में बाजू पकड़ के खींची, कमीज जिसने अंडरवेयर में दी हुई थी वो भी साथ में बाहर आ गया, ऐसे ही घर गया। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? कहता नहीं नहीं मैंने मुंह छुपा लिया था। और नंबर प्लेट से थोड़ी पता चलता है गाड़ी किसकी है। खैर अभिषेक सर, अभिषेक सर, अजय सर, आप जो आप लोगों की जोड़ी जो सर कमाल है,
मैंने जमीन पिक्चर देखी थी सर, जमीन मेरी आज भी फेवरेट है सर। इतनी फेवरेट है, आज भी जमीन पे सोता है। मतलब इतना जमीन पर सोना बुरी बात होती है, वो कमर सीधी रहती है और आदमी जमीन से जुड़ा रहता है। आई एम अर्थ टू डाउन, अर्थ टू डाउन नहीं, डाउन टू अर्थ होता है। तो जब पता तो फिर होते क्यों नहीं हो? खैर सर, इसकी इन्हीं बातों की वजह से मैंने सोच लिया है कि अब मैंने ना स्टॉक एक्सचेंज में आना है सर। इधर आ, पहले इधर बैठ, आराम से सांस ले, पहले आ जा। ये क्या बांधा तूने? ये मैंने फांसी ऑर्डर की थी, वो ली है। क्या तुम्हें नहीं पता ये गमछा है? स्टॉक एक्सचेंज में जाना, टेलीफोन एक्सचेंज वालों का जो 200 रुपए रेंट देना अमृतसर, वो तो दे के आ पहले। 200 रुपए बिल ना देना पड़े, इस चक्कर में अपने आप को मृत घोषित करके घूम रहा है। सर बिल का मैंने उनको उधर ही क्लियर कर दिया था कि मैंने नहीं देना। अब वो बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं, मैं क्या करता? और मैंने सोए पड़े कि मेरे पास एक पिक्चर थी, वो मैंने अखबार में निकलवा दी। तो बस ठीक है सर। वैसे अब मैंने देखो शेयर्स का काम करना है, आपसे मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए। ओए लोगों के खाने में से शेयर मांगने वाले, तुझे पता भी है शेयर मार्केट होती क्या? पहले ये उतार, बड़े बड़े लोगों के सामने चश्मा लगाता है, शर्म नहीं आती? शेयर मार्केट क्या होती बताओ, क्या होता है शेयर मार्केट? यार इधर साउथ बॉम्बे में उसका बहुत बड़ा ऑफिस है। मैंने एड्रेस नहीं पूछा, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके बारे में नॉलेज है तुझे कुछ? मेरे को सारी नॉलेज है उसके बारे में। क्या क्या नॉलेज है? बस शेयर का काम करना कैसे? शेयर तू खरीदने के लिए पैसे है तेरे पास? खरीदने हैं नहीं, मैंने शेयर बेचने हैं। ढाबे के मैंने शेयर निकालने, गर्म पानी के अलग शेयर निकालने, ठंडे पानी के अलग निकालने, मटर पनीर के अलग निकालने। शेयर मार्केट का पिट बुल बनना है मैंने। पिट बुल? देख लो सर, पिट बुल कुत्ता होता है, वो बनना तुझे? देख लो सर, पिट बुल हॉलीवुड का एक बहुत फेमस सिंगर भी है। हाँ। उसके साथ भी मेरा कंपैरिजन हो सकता था, लेकिन नहीं किया इसने, नॉलेज ही नहीं इसको। ये बात तेरे को बताई किसने कि पिट बुल वहां का कोई सिंगर है? ये नॉलेज तेरे पास कैसे आई? और तू कंपेयर क्यों कर रहा है? वो कहां, वो और कहां तू? क्यों, क्या कमी है उसमें? सर हिंदी नहीं आती उसको थोड़ी सी, मैं सिखा दूंगा। खैर निकिता मैम, आपके पापा नेवी में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। एक छोटा सा सवाल था कि वो जो ऑफिसर्स लोग होते हैं और जो डस्टिंग वगैरह करते हैं, उनको एक जैसा खाना मिलता है या मेन्यू चेंज कर देते हैं? आ गया ना मेन असलियत पे। क्या असलियत पे? मैं यार ऑफिसर बनने की बात कर रहा था। तुझे क्यों लेंगे ऑफिसर? लेंगे तो वो मुझे डस्टिंग वाला भी नहीं, लेकिन मैं बात करने नहीं कर सकता। ये मेरा बचपन का स्कूल का दोस्त है, देख लो। ये शुरू से ऐसा था, ये जब भी पैदा हुआ ना, ये यार मैं पैदा हुआ ही नहीं भाई साहब। नहीं पैदा हुआ मैं पैदा होते ही एक साल का था। एक साल का नहीं, मैं 4 साल का था पैदा होते। आई एम लीप ईयर बेबी। सर इसने मेरी पैदा होने की बातें बतानी है, लेकिन मानना नहीं सर, सारी नकली बातें हैं ये। मैंने उधर डॉ जॉन्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी है, मैं चलता हूँ, आपको पीछे मिलता हूँ। थैंक यू सर। अभिषेक सर, एक और सवाल है जनता जनार्दन का। कहते हैं कि आपने और ऐश्वर्या मैम ने शादी से पहले 5 फिल्में की हैं, शादी के बाद आपने सिर्फ 2 ही की, तो हम क्या समझें कि पत्नी चाहे विश्व सुंदरी हो, आदमी पत्नी से काम करने में साथ डरता है? पिटवाएगा। अरे सर आपकी शादी को तो मतलब और ज्यादा साल हो चुके हैं, आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ, तूने 1000 शो कर लिए ना, तो कभी अपनी बीवी को लाया शो पे? ये बात आप प्यार से भी तो कह सकते थे। क्या बोला था मैंने शुरुआत में, क्या बोला था मैंने? डरा देते बंदे को देख के ऐसे। कोरोना कैसे हो गया? सॉरी गलती हो गई मुझसे। निकिता मुझे किसने बताया कि आप पानीपुरी बड़े शौक से खाती हैं? अच्छा हाँ, रीटेक रीटेक पानीपुरी। माय हार्ट बीट इज गोइंग फास्टर। शौक से खाती हूँ पानी पूरी? नहीं एक्चुअली मैं सेव पूरी ज्यादा शौक से खाती हूँ। अच्छा अच्छा। हमारी अर्चना भी बड़ी शौकीन है पानी पूरी की, लेकिन जब ये खाती है ना तो एक दिन पहले मतलब बताना पड़ता है, क्योंकि पानी पूरी वाला आता है पहले, इनके मुंह का मेजरमेंट लेके जाता है, तो बड़ी पूरी खाती है ये। एक बार कहती है बड़ी वाली पूरी में पानी डालो, कहता मैम ये पूरी नहीं भटूरा है। आप जो बात बता रहे थे ना एक्चुअली की सारी फैमिली, बिकॉज सब एक्टर्स हैं, अभिषेक सर, बच्चन साहब, ऐश्वर्या जी, जय जी, पर बिजी शेड्यूल रहता है तो मिल नहीं पाते। मुझे किस्सा याद आ गया, शायद बच्चन साहब ने सुनाया था आपने कि ग्रुप बनाया हुआ है फैमिली में, तो जय जी शायद फ्लाइट ले रही थी कोलकाता की। हैं और सुना ना भाई क्या किस्सा था, मुझे भूल गया अभी।
डैड और माँ को नए नए हम लोग ने व्हाट्सएप पे डाला था कि हम लोग एक फैमिली ग्रुप बना रहे हैं, उस पर सब जो कुछ भी बातचीत करनी है आप कर लीजिए. सो मॉम वाज इन कैल, शी गॉट ऑन फ्लाइट पे चढ़ने से पहले भी राइट की बोर्डेड ये फ्लाइट है. सो शी रोट बोर्डेड द फ्लाइट. फिर उनका बाद में आया लैंडेड. शी हैड लैंडेड, शी हैड हैड डिनर, शी हैड गॉन टू स्लीप व्हेन माय फादर रिस्पॉन्स, ओ हैव अ सेफ फ्लाइट. तो मैंने उनको लिखा कि डैड वो टेक ऑफ करके लैंड करके घर आके खाना खा के सो भी गई है. इतनी देर से आप नहीं कर सकते हो, वो टाइम पे डालना पड़ता है. अच्छा अच्छा, स्टिल लर्निंग हाउ टू. माय डैड इज ग्रेट, वो कभी फोन उठाते नहीं है. अच्छा, अगर उनसे कभी फोन पे बात करना हो तो वो बोलते हैं कि मुझे SMS भेजो कि मैं आपको फोन करने वाला हूँ. फिर फोन करने का फायदा क्या हुआ? He doesn't pick up anybody's phone. His phone is on silent. उन्हें हजार फोन आते हैं. उनका ये है कि मुझे मैसेज कर दो कि मैं फोन करने वाला हूँ. लेकिन अभी व्हाट्सएप के लिए भी मैसेज करना पड़ेगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे. ये है उनका. वाह. पर हम सबके लिए क्या मतलब इंस्पिरेशन है बच्चन साहब. We love you, बच्चन साहब. God bless. अरे वाह 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 यार, एक से एक धुआंधार लोग यहाँ पर मौजूद है. अजय जी नमस्कार, अभिषेक जी नमस्कार, निकिता हेलो जी, सोहन जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते. क्या बात है यार, मजा आ गया यार. आज बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? कप्पू शर्मा, आज पहले हमें इनसे बोल बच्चन होने दीजिए. अच्छा. तुम बाद में बोलना. ये देखा हमने क्या किया, क्या? बोल बच्चन तुम बाद में बोलना. यार ऐसा हम करते रहते हैं, चलता है हमारा. वैसे सोहम जी पहली बार आए आप यहाँ पर? जी बिल्कुल. अरे काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहे हैं यार. हाँ अरे हम कितने टाइम से आपकी शाह देख रहे हैं. शाह नहीं, राह देख रहे हैं. नहीं अरे सोहम शाह है तो इनका शाही देखेंगे ना, इनका राह क्यों देखेंगे? अगर शकी राह आ रही होती तो उनकी राह देखते, इनका तो शाह देखेंगे. और अगर भपीदा आ रहे होते तो? नहीं तो उनका आप इंटरव्यू लीजिए यार, इतने सीनियर आर्टिस्ट का दा देखे अच्छा नहीं है. लेकिन अजय सर, आई एम अ ह्यूज फैन, ह्यूज फैन. अच्छा ह्यूज सर यार, 16 का डोला, 46 की छाती, ये 150 किलो वजन उतारी नहीं जाती. हमारा तो चल रहा है सर. लेकिन इंडस्ट्री के एक ही कलाकार हैं, इनमें ना वो गुरुत्व आकर्षण बल है, यू नो ग्रेविटी, ग्रेविटी ये ऑडियंस को और रोहित शेट्टी की फिल्मों को खींच लेते हैं अपनी ओर. इतना बल है. बल तो इसमें बहुत है, एक अगर सूंड लगवा ले कहीं से. Oh God. तो आप चले जाइए सूंड ढूंढने, क्योंकि ढूंढ सूंढने तो आप जा नहीं सकते. ढूंढ सूंढ. बच्चा करने क्या आज इतने बैंड बैंड वाले लेके? ओ ब्रो यार कितना बात करते हो यार तुम, आपके बातचीत की वजह से मेन चीज भूल ही गए. बजाओ. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर. Let me introduce, this is my भैंसिया फुलझड़िया, प्यार से हम इसे बुलबुल कहते हैं. सर ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही संस्कारी है, चारा बहुत कम खाती है, दूध बहुत ज्यादा देती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है. कायदे से देखा जाए तो ये भैंसिया समाज की अक्षय कुमार है. वेरी डेडिकेटेड. ये सब उनको क्यों बता रहे हैं? अरे तो डोनाल्ड ट्रंप को बताएं, कमाल का बात कर रहे हो यार. लड़की के बारे में लड़के वालों को ही तो बताएंगे. लड़की वाले, लड़के वाले मतलब क्या क्या ये सब? ब्रो फैमिली शो कर रहे हो, फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है क्या आपको? देखिए सर इनका बिग बुल आ रहा है. हम अपनी बुलबुल लाए हैं. अच्छा. दोनों का रिश्ता होगा. ओह गॉड. और हनीमून पे ये जाएंगे इस्तांबुल. इनकी शादी पे परफॉर्म करेंगे पिट बुल. बोलिए आपको है ये कबूल? ओए बिग बुल फिल्म का नाम है, उसमें अभिषेक सर बिग बुल का रोल कर रहे हैं. तो दैट इज नॉट रियल बुल? नो. लाइक रियली? या आर यू श्योर? नो 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 ओ मां, सच में मतलब यार पूरा है तो शादी का प्लान ही कैंसिल हो गया. ओ ब्रो पार्टी जोवर, पार्टी जोवर, गो गो गो. अरे यार सर
ये बात अपने भैंसिया को बता नहीं सकते सर, उसका दिल टूट जाएगा, वो तो इतना एक्सपेक्टेशन के साथ आई थी। मजाक नहीं कर रहे सर, पिछले 3 दिन से पेट में गोबर भी ऐसा दबा के बैठी है कि लड़के वालों के सामने स्मेल ना आ जाए इसके लिए। I'm not kidding, सर। सर अभिषेक सर कुछ कीजिए ना, कोई दूसरा बुल ढूंढ के दीजिए ना प्लीज। वो क्यों ढूंढ के देंगे तुम्हें बुल? अरे वो दिल्ली 6 में वो काला बंदर ढूंढ लिया था इन्होंने। एक बुल ढूंढ लो यार, इसमें क्या जाता है यार। और बुलबुल, ये जो भी बुल बताएंगे उसके साथ तुमको शादी करनी होगी, वरना अगर नहीं की ना तो तुम्हारी शादी पांडे से करवा देंगे। अरे मान गई। अरे सॉरी ब्रो पांडे, क्या है इसको जरा धमकाने के लिए तुम्हारा नाम लेना पड़ता है। माय लोपोजी यार, डोंट फील बैड, और इवन आई डोंट केयर इट्स ओके। बच्चा तेरा हो गया अभी ना, अभी एक चौड़ी गली पकड़ और निकल। व्हाट डिड यू डू सर? देखा आपने क्या किया, चौड़ी गली पकड़। हम कहेंगे नहीं यार चौड़ी गली नहीं, पतली गली होता है। फिर ये हमसे कहेंगे तू तो घुस नहीं पाएगा ना पतली गली में। आई डिस्ट्रॉयड योर जोक ब्रो, डिस्ट्रॉयड इट। सर बिग बुल बनाई ना आपने, हमारा एक रिक्वेस्ट है सर, इस आदमी को लेके एक बिग चुल बनाइए, क्योंकि हर किसी का बात में उंगली करने का चुल रहता है इस आदमी को। प्लीज बिग चुल, माय रिक्वेस्ट। छोड़िए सर इनको, क्या लेकर फिल्म बनाएंगे सर? आई एम ऑल्सो ए फिल्म मेकर अंदर से। आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म विद बोथ ऑफ यॉल सर। पैसे हैं तेरे पास? पैसे? अजय देवगन जी है ना प्रोड्यूसर है, लगा लेंगे पैसे, उसमें क्या है। वैसे तो ब्रो आपके पास भी कम पैसे नहीं है, तो आप लगाना चाहो आप लगाओ। यू ऑल टेक अ कॉल सर, आई एम ओके विद बोथ। अच्छा, देखो फिल्म का डायरेक्टर रहेगा स्टीवन स्पीलबर्गर, वो अपने पास है। पहली बात तो स्टीवन स्पीलबर्ग है। स्टीवन स्पीलबर्गर क्या होता है? कौन? स्टीवन स्पीलबर्ग हॉलीवुड के डायरेक्टर है वो। ना उनका बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारा दोस्त है स्टीवन स्पीलबर्गर, बांद्रा में बर्गर का रेडी है उसका। वो डायरेक्ट करेगा, कमाल का करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। डायरेक्शन आता है उसको? अरे वो उससे जाकर कोई भी पूछे कि भाई आमिर खान का घर कहाँ है, शाहरुख खान, वो सीधा बताता है यहाँ से सीधा जाओ लेफ्ट लो, घंटा कराएगा, यू टर्न मारो, ऐसा आओ। क्या डायरेक्शन देता है सर, इतना ही नहीं बाहर बोलता कि बाहर जाके खड़े रहना, अंदर घुसने की कोशिश मत करना, डिटेल डायरेक्शन देता है वो। कहानी है तुम्हारे पास? कहानी, इज इट इम्पोर्टेंट? अपना ये बाहुबली का कहानी ले लेते हैं, इट्स गुड, हमने देखा अच्छा कहानी है बाहुबली का। सर हम आपको सीन सुनाते हैं, यू विल बी कन्विंस्ड। सीन है सर, अजय देवगन जी का फिल्म में एंट्री है। एक हाथी, दो हाथी, ही इज कमिंग ऑन टू हाथी। दूसरा हाथी कहां से आएगा? डिड यू सी दैट? हमने पहले आपको पकड़ लिया तो यहाँ आपने हमको पकड़ लिया, कमाल है ब्रो, नॉट बैड है, नॉट बैड। ठीक है, एक हाथी हमें है, दूसरा हमारा कोई भाई आते हैं, वी आर हाथी। तो सर आपका दो हाथियों पर ऐसा एंट्री हो रहा है, थोड़ा आप आगे पहुंचते हैं, अचानक हाथी रुक जाते हैं, आप देखते हैं क्यों। वहां पे दिखाई देता है कि रास्ते पे कटप्पा जो है लघु शंका कर रहे हैं। ओह माय गॉड, तो आपको शंका होती है, मतलब विदाउट द लघु, मतलब आपको खाली शंका होती है, आप सोचते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो आप हाथी से उतरते हैं, कटप्पा के पास जाते हैं। कटप्पा आपको देखकर कहता है कि आप यहाँ पर कैसे अजय जी? तो आप उनसे कहते हैं रास्तों पर वही मिलते हैं जिनकी मंजिलें एक होती है, ऐसा आप उनको बोलते हैं। उसके बाद लघु शंका जो है वो चल रहा है, चल रहा है लघु शंका, चल रहा है। कितना कितना चलेगा वो? मैंने कटप्पा का हो गया, हाथियों का चल रहा है। हाथी भी तो इतना सूंड से पानी वानी पीकर आए हैं, तो उनका चल रहा है। कट्टू, नेक्स्ट सीन, महेशमती का महल। अभिषेक जी का घोड़ा है यार, धूम मचाला ही करेगा, रश के कमर करेगा क्या? कम ऑन ब्रो। फिर अचानक से सर जैसे आप महल में एंट्री करते हैं, हर तरफ धुआं 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 धुआं। आप अपना फोन निकालते हैं, अजय देवगन जी को फोन लगाते हैं, उनसे कहते हैं कि ब्रो व्हाट इज गोइंग ऑन ब्रो, क्या चल रहा है लाइफ में, सब ठीक तो है? ये क्या बात है, मतलब अजय जी फोन क्यों करें, मतलब क्या है? अरे क्यों, अजय जी ने कहा है ना कि धुआं में याद रखना, इतना धुआं है तो धुआं में याद रख रहे हैं ऑब्वियसली यार, कम ऑन गो विद द स्टोरी फ्लो। अब देखना ये कहेंगे आता मारी सटकली और वो तेरी धूम पे लात मारेंगे। ये छोड़ो सर, अगर पिक्चर नहीं भी करना है डजंट मैटर सर, वी विल मैनेज समथिंग। लेकिन सर हमारे पास जोक्स का एक पिटारा रहता है, पेश करें जोक, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। सर अभिषेक जी आपने रावण नाम का फिल्म किया था ना, तो ठीक है हमको बताइए कि राम जी हैं, उन्हें सीता जी से विवाह किया, रावण ने सीता जी का अपहरण किया, हनुमान जी ने सीता जी को बचाया, तो वास्तव में हीरो कौन था? संजय दत्त। नॉट बैड,
चलिए सर, यही तो जोक्स का पिटारा, अभी हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पिक्चर जरूर बनाइएगा सर हमारे साथ। आई विल बी वेटिंग, टेक केयर ब्रो, ऑल राइट, बाय बाय, यो यो, सी यू मैन। एक बार बिग बुल की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अजय सर, अभिषेक सर, निकिता, सोहम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और बड़ा मजा आया, और आप दोनों की बातचीत ने जो समा बांधा है सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आइए सर प्लीज। और एक बार फिर से आप सभी को बिग बुल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सब यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने और हाथ भी धोते रहें। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।